आपका देवभूमि समाचार में मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बढ़ते खबरों की ओर, रायपुर थाना क्षेत्र के हत्याकांड में देहरादून पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात को देहरादून पुलिस टीम और हरिद्वार पुलिस टीम की संयुक्त घेराबंदी में अभियुक्त मनीष योगेश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार मनीष और योगेश ने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों घायल हो गए। वहीं एसएसपी देहरादून द्वारा अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिलने पर एसएसपी हरिद्वार से बातचीत की गई, जिसके बाद एसपी सिटी देहरादून को अभियुक्तों की जानकारी और कोऑर्डिनेशन के लिए हरिद्वार भेजा गया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर हत्याकांड में बड़ी सफलता पुलिस को, और अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं दो की बात करें तो मुठभेड़ में ये दो घायल भी हुए हैं, और मुठभेड़ के दौरान जो है दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं दोनों के पैर में गोली भी लगी है। दरअसल पुलिस से मुठभेड़ के दौरान इन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाबी फायरिंग में या जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, और इस दौरान जो है दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो रायपुर गोलीकांड में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी, और अब तक सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो रायपुर गोलीकांड को लेकर यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रहे, जहां अब तक जो है सात आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, और इसी के तहत अभियुक्तों के साथ जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई, और इस दौरान दो अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। तो एसएसपी हरिद्वार ने मामले में जो है चेकिंग अभियान चलाया, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, और इस दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली भी लगी है, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर, क्या अपडेट? देखिए, रविवार को एक हत्याकांड हुआ था देहरादून में, जहां गोलियां बारी देखने को मिली, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, और जिसके बाद उनका उपचार जो जिला अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मामला हाईलाइट हुआ, पुलिस भी लगातार इसमें गिरफ्तारी दिखा रही है। शुरुआती तौर पर अगर मैं बात करूँ, जो मुख्य आरोपी थे, जो भारद्वाज, जिसने पैसों की लेन देन को लेकर जो लड़ाई की बात की जा रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिन्होंने शूटिंग करी थी उनकी तलाश की जा रही थी। एक को राजस्थान से पकड़ा गया कल, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो उनको हरिद्वार रुड़की रोड पे चेकिंग के दौरान उनके साथ कॉम्बिंग हुई, और साथ साथ जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैर पे गोली लगी, जिसमें दो आरोपी और पकड़े गए हैं। अभी तक मैं टोटल बात करूं तो सात आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है कि और भी जने इसमें है, कि और भी इसमें सम्मिलित है। वहीं अगर उनके परिवार की बात करूं, जो मृतक है उनके परिवार लगातार ये मांग कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं जहां पर उनकी हत्या हुई थी, वहीं पर बैठकर वो उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उनके घर को ध्वस्तीकरण किया जाए। यूपी की तर्ज पर जिस तरह से योगी का एक्शन देखने को मिलता है, वैसे ही सीएम धामी का यहां पर एक्शन देखने को मिले, और उसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं कि एमडीडीए, नगर निगम और साथ साथ जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो संपत्ति है, जो 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 कल्प्रिट्स हैं उनकी जो संपत्ति है उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, और अगर उसमें कोई अवैध पाया जाता है उसे सीज किया जाए, उसे तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार से लेकर जो प्रशासन है वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। रात भर ये कॉम्बिंग चली, उसके बाद इन्हें रुड़की अस्पताल ले जाया जाए, जो आरोपी थे वहां पर उनका औपचारिक इलाज कराया गया, और अब उन्हें देहरादून लाया जाएगा, और यहां पर जो पूछताछ है पूरी तरह से की जाएगी। और अभी अगर मैं बात करूं तो जो मृतक के घर वाले हैं वो डीएम कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिले, और साथ साथ जो जो बीमार है, जो घायल है, उनका उपचार ढंग से हो सके। अभी फिलहाल वो डीएम कार्यालय में मौजूद है और लगातार डीएम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो संपत्ति है उनका ध्वस्तीकरण किया जाए, उनके मकान का ध्वस्तीकरण किया जाए, और इसी के तहत जो पुलिस फोर्स है अत्यधिक उनके घर के बाहर, आरोपियों के घर के बाहर भी तैनात की गई है, क्योंकि कल पूरी रेलिंग तोड़ दी गई है। जो गुस्साए मॉब थी वहां पर घुसी है, और उसके बाद जो रेलिंग है वो तोड़ने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अत्यधिक पुलिस फोर्स यहां पर लगाया गया है। पीएससी के जवान भी वहां पर खड़े किए गए, क्योंकि वहां पर उनकी फैमिली अभी मौजूद है। यह बताया जा रहा है कि उनकी 16 साल की बेटी जो आरोपी है, और
साथ साथ उनकी माँ वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो मृतक के परिजन है वो अभी पूरी तरह से रोष में नजर आ रहे हैं। शाम के वक्त एक कैंडल मार्च भी निकाली जाएगी देहरादून में। तो कोशिश ये की जा रही है, मांग गई है कि जो आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ साथ प्रशासन और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि उनको छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए, और इसी के तहत अब कार्रवाई। तुषार, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद जो है लगातार आक्रोश देखा जा रहा है, चाहे वो परिजन की बात कर ले या आसपास के लोगों की बात कर ले, और ऐसे में जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की मांग की जा रही है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ तौर पर आदेश हैं एमडीडी या नगर निगम को कि इनकी जितनी भी संपत्ति है उनकी जांच की जाए, क्योंकि भारद्वाज काफी बड़ा नाम है लेन देन में, और साथ साथ ये ब्याज का काम मोटा काम करता था, जिसके कारण काफी लोग भी परेशान थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो लोग हैं जो उनसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैपिटल लेते थे वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्याज के ऊपर ये जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाता था, जिससे लोग डरे और सहमे रहते थे। उसके बाद कई मारपीट के मामले भी इस पे दर्ज हैं, और साथ साथ कई लोगों को धमकाने के मामले भी दर्ज हैं। तो ऐसे में काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हम इसका कह सकते हैं, और साथ साथ गुंडाई भी इसकी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद जो लोगों में आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप ही, जो स्थानीय लोग हैं साथ साथ जो मृतक के परिजन है, उनकी यही मांग है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश और साथ साथ बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे हैं, और सिर्फ इसी मकसद से आ रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी गुंडाई कर सके और यहाँ पर जो है उसे हड़पने की कोशिश की जा सके। तो ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है, आदेश दे दिए गए हैं एमडीडी और नगर निगम और साथ साथ जिला प्रशासन को इनकी संपत्ति की जांच की जाए, तो हम एक्शन देख सकते हैं कुछ दिनों में। हम देखा जाएगा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी देहरादून में चलती हुई नजर आ सकती है। जी, यानी कि जिस तरीके से आरोपियों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं इनके तार जो है लंबे जुड़े हुए, और भी लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बार और पब का प्रचलन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जो राजधानी देहरादून की आबो हवा को खराब कर रहा है। लोग देहरादून से ही नहीं बल्कि आसपास के कई बाकी शहरों से भी यहां आते हैं, लेकिन यहां पर स्थित बार संचालक लोगों की पिटाई करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देहरादून के राजपुर रोड पर बने रोमियो लैंड बार का है, और जहां पर पार्टी करने गए युवाओं की मामूली कास होने के बाद बार में मौजूद बाउंसरों ने किस कदर उनकी पिटाई की है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। बार संचालकों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें कानून का भी खौफ नहीं है। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां बार में पार्टी का शौक जो है युवकों को भारी पड़ गया, और इस दौरान स्पॉन्सरों ने जमकर पिटाई की, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से कैथुरा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। अब है ये क्या है पूरा मामला, कब के ये वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, कब के बताए जा रहे हैं? ये एक दिन पुराना वीडियो यहाँ पर बताया जा रहा है, बस राजधानी देहरादून के राजपुर स्थित बार का है, जहाँ पर कुछ युवक ये कह सकते हैं कि अपने वहाँ पर शराब का सेवन कर रहे थे, और इसी दौरान कुछ बात किसी बात को लेकर जो वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ था उनके साथ इनकी कहा सुनी होगी, कहा सुनी लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिस प्रकार से उसके बाद हाथापाई वहाँ पर होने लगी, और बार के जो बाउंसर वहां पर थे या जो दूसरा जो स्टाफ था उनके द्वारा इन युवकों की पिटाई की जाने लगी। इन युवकों को बार से बाहर घसीटने का काम किया गया, सीढ़ियों से इनको घसीट कर नीचे लाने का काम किया गया, और उसके बाद जब ये लोग नीचे पहुंचे तो वहां पर इनकी फिर पुनः पिटाई की गई। जब इन लोगों को द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया तो तब तक ये कह सकते हैं कि पूरा बार का स्टाफ वापस जा चुका था। पुलिस की भी स्थिति ये कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम यहाँ पर किया गया, और इन्हीं लड़कों को जो लड़के इसमें कह सकते हैं कि इन बार बाउंसर से पीटे हुए थे उनको ही वापस समझाने का काम पुलिस की तरफ से किया गया। जिस तरीके से राजधानी देहरादून में इन दिनों ये कह सकते हैं कि बार संचालकों की तरफ से अपनी मनमानी वहां पर की जा रही है, लगातार जो नियम है कानून है उनका उल्लंघन करने का काम वहां पर किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की छवि या देहरादून की जो आबो हवा शांत जो वातावरण है उसको और दूषित करने का काम वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से नियम विरुद्ध वहां पर बाउंसर रखने का काम बार संचालकों के तौर पर किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में या अभी जो वर्तमान
स्थितियाँ चल रही है वहाँ पर और तरीके के आक्रोश पैदा करने वाला नजर आ रहा है। जी जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, साफ तौर पर यहाँ अगर गलती थी भी युवकों की तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बगैर खुद ही मामले को जो है मैनेज करना ज्यादा उचित समझा। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस दौरान इनके अंदर प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं है। देखो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देहरादून में बार संचालक या जो हुक्का बार है उनकी तरफ से ऐसे कई और वीडियो उनके यहाँ पर सामने आते रहे जिस तरह वो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ने बिना पुलिस के खौफ के इस तरीके के जो वारदात यहाँ पर हो रही है उनको अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और ये ताजा मामला देहरादून का ही है जिसमें सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बाद युवकों के द्वारा यहाँ पर जो युवक उनके बार में आए थे उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, जिस तरीके से उन्हें सीढ़ियों से घसीटने का काम किया गया वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कानून के नियमों के उल्लंघन करने वाला कहा जा सकता है। और जब इन युवकों की तरफ से पुलिस से भी संपर्क किया गया था तो पुलिस की तरफ से भी कोई ऐसी ठोस कार्रवाई ना तो बार संचालक के खिलाफ की गई है ना बार के जो दूसरे कर्मचारी थे जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वहां पर की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार इन लोगों के मन में जो कानून का जो खौफ होना चाहिए था वो इनके मन से बाहर हटा नजर आ रहा है और ये बेखौफ होकर इस तरीके की। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे और एक बार फिर से वही नजारा वही हालात जो है सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सामने आए, पुलिस जो है इस इन चीजों को लेकर सुस्ती क्यों बरत रही है? बिल्कुल सीधे तौर पर सुना जा सकता है कि पुलिस की तरफ से या बिना पुलिस की मिली भगत से इस तरीके की जो वारदात होती है, इस तरीके के नियम उल्लंघन होते हैं वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस से ही कुछ और लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं जिनकी तरफ से इन लोगों को संरक्षण देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहां पर कानून को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, लोगों से सीधे हाथापाई कर रहे हैं, उसको पीटने का काम वहां पर कर रहे हैं और जिस तरीके से ये लोग इन नियमों को तोड़ रहे हैं तो ऐसा समझा जा सकता है कि पुलिस नाम का कोई खौफ इनके मन में नहीं है और ये पुलिस से कोई डरने वाले भी नहीं दिख पा रहे हैं। सीधे पहले ये कहा जा सकता है कि पहले बाउंसरों की जो नियमावली होनी चाहिए थी वो यहाँ पर सही रूप से नहीं दिख पा रही है और ऐसे में बार संचालकों की तरफ से नियम तो तोड़े जा रहे हैं, साथ में जो युवक वहां पर ये कह सकते हैं कि जो लोग अपनी बात रखना भी चाहते हैं कुछ चीज पूछना चाहते हैं तो फिर उनके उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी भी उनकी तरफ से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी के लिए। तो बाद में पार्टी का शौक जो है युवकों को भारी पड़ा और इस दौरान बाउंसरों ने जमकर पिटाई की है और पार्टी के दौरान मामूली कहा सुनी के दौरान जो है ये विवाद हुआ। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है जहां चार युवक चोपता से देवरिया ताल ट्रैक के लिए निकल रहे थे जिनके रास्ते में भारी बारिश के बीच फंसे होने की सूचना रुद्रप्रयाग पुलिस को मिली जिसके बाद ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ की टीम ने चार युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया और आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच ये रेस्क्यू किया है जो कि सफल भी रहा। सुरक्षित निकलने के बाद युवकों ने टीम का आभार जताया। चौपटा से शुरू किया था, वहाँ से हम देवरिया ताल तक आने की कोशिश कर रहे थे। हमने गूगल मैप में देखा था, उसका हम फॉलो कर रहे थे, फिर वहाँ पे थोड़ी बारिश वारिश हुई तो उसकी वजह से हमारा ट्रैक थोड़ा हम उलझ गए रास्ते में। फिर उसके बाद हमारा जो इसमें मैप चल रहा था डाउनलोडेड था ऑफलाइन था वो पानी में गिर गया तो उसकी वजह से वो फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम भटक गए थे। हमने करीबन 9 बजे करीब पुलिस में फ़ोन किया था और फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद पुलिस वालों की तरफ से फ़ोन आया, फिर करीब हमें ढूंढा गया करीब 2-2.5 बजे फिर हमें ढूंढा गया एसडीआरएफ के थ्रू और फिर हम अब वापस उनके साथ ही आए। उन्होंने सही सलामत हमें सारी विलेज तक पहुँचाया। और वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग की माने तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है और ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार आज से ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है जिससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।
इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हीट वेव की संभावना भी कम हो जाएंगे और तापमान में 2 से 3 डिग्री भी कमी देखी जा सकती है। आगे मौसम निदेशक ने कहा कि 24-25 जून से प्रदेश में मॉनसून दस्तक देने की संभावना है, इसलिए लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पश्चिम विक्षोभ एक थोड़ा सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही करीब करीब अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। तो जब ये एक्टिविटी रहेगी तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान है इसमें और जो कमी आएगी 4-5 डिग्री तक, मैं ऑन एन एवरेज बोलूंगा कि इतना कमी टेम्परेचर में जो है वो आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ तो हीट वेव कंडीशन या इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी, परंतु साथ में ये देख रहे हैं कि जो तापमान है तो ये अब 38-39 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, तो हीट वेव कंडीशन वाली बात अब नहीं रहेगी। चाहे वो हिल्स की बात करें वहां भी 30 से कम ही रहेंगे ये, या मैदानी क्षेत्रों में देखें। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही, गंगोत्री धाम में खीर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, समिति के अध्यक्ष सहित 8 लोग बीमार, सभी के हालात खतरे से बाहर। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सभी के हालात जो है खतरे के बाहर बताए जा रहे। गंगोत्री धाम में खीर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। मंदिर में खीर की क्वालिटी पर उठे सवाल, तो उत्तरकाशी से यह जानकारी सामने आ रही, जहां समिति के अध्यक्ष सहित 8 लोग बीमार हो गए और वहीं फिलहाल जो सभी की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। तो गंगोत्री धाम में खीर खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने आया, जिसके बाद से मंदिर में खीर की क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें इसके बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष सहित 8 लोग बीमार हुए हैं खीर खाने के बाद। और वही प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण कर उसकी उचित देखरेख न होने पर आक्रोश जताया। इसके साथ ही संस्कृति विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि वहां पर साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ धरोहरों का संरक्षण किया जाए। महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। वहीं सतपाल महाराज ने औचक निरीक्षण के दौरान संस्कृति विभाग के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल और संस्कृति निदेशक बीना भट्ट को निर्देश देते हुए कहा कि पहले भी उनके द्वारा आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है और इसलिए तुरंत प्रभाव से आर्ट गैलरी का समुचित संरक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आर्ट गैलरी जो है या आर्ट म्यूजियम जो है इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफी चीजें रखी हुई हैं जो हमारे सुरंतपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीजें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न है इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये चंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीजों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है, इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है और हम चाहते हैं कि जो कला विज्ञ हैं और आर्टिस्ट हैं वो भी अपने अपने यहाँ पर कृतियों को रखें और जनता इन कृतियों को देखें। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है जहां विधानसभा उपचुनाव 10 जुलाई को होने जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए। दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी चल रही है, ऐसे में बीजेपी काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही जीत का हैट्रिक लगा चुकी है। और बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश में विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो जाएगी, दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत एक उपलब्धि के तौर पर रहेगी। जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है उस पे दोनों विधानसभा के लोग मोहर लगाने वाले हैं और भारतीय पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। तो चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है अपने अपने दावे ठोक रही है। और बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है जहां बीजेपी 21 जून से लेकर 6 जुलाई तक बूथ स्तर पर 6 कार्यक्रम करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया
कि 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग की शुरुआत आदि कैलाश पर्वत पार्वती कुंड से करेंगे। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर भी योग दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर जीवन दर्शन पर चर्चाओं और सेमिनार का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह 6 जुलाई तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाने हैं। और बढ़ते हैं आगे खबर देहरादून से, जहां डीएम सोरिका ने आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को नालों नालियों की सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नालों और नालियों की सफाई में तेजी आई है और इसी कड़ी में आज कई जगहों पर पर्यावरण मित्रों के जरिए नालों और परिसरों की सफाई का काम किया जाएगा। मॉनसून को लेकर जो है काफी जोर शोर से तैयारी देखी जा रही है और डीएम ने जो है सफाई के आदेश दिए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए आज नालों और नालियों की सफाई किए जा सकते हैं और मॉनसून को लेकर ये जोरदार तैयारियां, तो आदेश के बाद जो है सफाई के काम में तेजी भी देखी जा रही है और डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर मॉनसून की तैयारियां काफी तेज दिखाई दे रही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।